आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जुलाई करेंट अफेयर एक जुलाई से इकतीस जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे चलिए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर को सही कर पाते हैं तो शुरू करेंगे बिना डिले किए क्वेश्चन नंबर वन हु वन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट सिंगापुर ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का किताब किसने जीता ए बी सी या फिर डी राइट आंसर होगा सी पीवी सिंधु ने वेन इज वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे सेलिब्रेटेड विश्व हेपाटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है 29 जुलाई 28 जुलाई 27 जुलाई 26 जुलाई सही आंसर होगा बी 28 जुलाई को बजराम बेगज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इच कंट्री बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं सही आंसर होगा सी अल्बानिया हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा बी रानिल विक्रम सिंघे पिच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप तो पर है बिहार गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु आंसर होगा सी कर्नाटका पिच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन एन आई आर एफ रैंकिंग्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एन आई आर एफ रैंकिंग 2022 में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप स्थान हासिल किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं आईआईटी दिल्ली, मुंबई मद्रास कानपुर करेक्ट आंसर होगा सी आईआईटी मद्रास व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है 145, 135, 130 या फिर 120? आंसर होगा बी 135। थर्टी फाइव हू हैज़ बिकेम द फोटीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल इसराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं 14th नंबर के राइट आंसर होगा डी लैपिड। हु हैज बिकम द फिफ्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के पंद्रहवें राष्ट्रपति कौन बने तो यहां पे भी आपको चार नाम दिए गए हैं सही आंसर होगा ए द्रौपदी मुर्मू हुन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ आई बी बी आई आईबीबीआई के होल टाइम मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है करेक्ट आंसर होगा बी जयंती प्रसाद को हूं विकेम द न्यू जी ट्वेंटी शेरपा जी ट्वेंटी का नया शेरपा कौन बना ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा ए अमिताभ कांत पिच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दो हजार पच्चीस को होस्ट कौन सा सिटी करेगा करेक्ट आंसर होगा सी टोक्यो पिच कंट्री लॉन्च द वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल किस देश ने वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया चाइना जापान करेक्ट आंसर होगा सी चाइना ने इन विच स्टेट इज द पाला वेटलैंड लोकेटेड पाला वेट लैंड किस राज्य में स्थित है गुजरात हरियाणा मिजोरम तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा सी मिजोरम में फ स्किल इंडिया मिशन लॉन्च स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था करेक्ट आंसर होगा बी 2015 में नारी को नमन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट नारी को नमन स्कीम किस इंडियन स्टेट में शुरू की गई है तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश गुजरात हरियाणा सही आंसर क्या होगा बी हिमाचल प्रदेश में पिच मिनिस्ट्री लॉन्च नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा एम ओ एस जे एंड ई फुल फॉर्म क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट आई टू यू टू वर्चुअल समिट फ्रॉम इंडिया साइड भारत की ओर से पहले आई टू यू टू वर्चुअल समिट में किसने भाग लिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी पिच कंट्री हैज़ विकम दिक्सटी एथ कंट्री टू जवाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कौन सा देश इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस में शामिल होने वाला अड़सठवा कंट्री बन गया तो आंसर क्या होगा डी इंडिया ए त्रिपुरा यानी कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग रिसेंटली विच टू कंट्री बिकम कॉमन वेल्थ एसोसिएशन मेम्बर्स हाल ही में कौन सा दो देश कॉमन वेल्थ एसोसिएशन के मेंबर बने हैं आंसर होगा बी टोगो और गैबोन विच कंट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट रिमिटेंस इन 2021? 2021 में किस देश को सबसे अधिक रिमिटेंस प्राप्त हुआ चाइना इंडिया फ्रांस मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंडिया को व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ट्वेंटी टू थ्री हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है यहाँ पे बात क्वार्टर थर्ड की हो रही है तो राइट right आंसर होगा सी एट्टी सेवन हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आलोक शर्मा अरुण शर्मा सलीम खान या फिर विनीत सरन आंसर होगा डी विनीत सरन को पिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव थर्टीन एक्सप्रेस वेज कौन सा राज्य तेरा एक्सप्रेसवे वाला भारत का फर्स्ट स्टेट बना तो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं उत्तर प्रदेश ओडिशा झारखंड महाराष्ट्र सही आंसर क्या होगा ए उत्तर प्रदेश बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के अगले चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है करेक्ट आंसर होगा बी इंदर मीट गिल। विच कंपनी डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स डी रैम चिप डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डी रैम चिप को डेवलप किया डेल ओपो नोकिया सैमसंग आंसर क्या होगा डी सैमसंग ने इन विच ईयर विल इंडिया ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री देखिए बहुत ही दुख का क्वेश्चन है भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा अभी तक हम ये जानते हैं कि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन इंडिया इसे ओवरटेक करने वाला है और किस ईयर में करेगा आपको ये बताना है तो यहाँ पे सही आंसर होगा 2023 में जो बहुत ही नियरेस्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है आर बी आई आई एम एफ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम आंसर होगा सी वर्ल्ड बैंक ने विच स्टेट विल होस्ट द थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू कौन सा स्टेट छत्तीसवें नेशनल गेम दो हज़ार बाईस को होस्ट करेगा तो यहाँ पे आपको चार स्टेट के नाम दिए गए हैं सही आंसर होगा सी गुजरात विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च काशी यात्रा स्कीम किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है बिहार कर्नाटका ओडिशा गुजरात करेक्ट आंसर होगा बी कर्नाटका फिच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट हंड्रेड परसेंट लैंड लोड मेजर पोर्ट इन इंडिया कौन सा बंदरगाह भारत का पहला हंड्रेड परसेंट लैंड लोड मेजर पोर्ट बना पोर्ट यानी कि बंदरगाह तो यहाँ पे चार पोर्ट के नाम आपको दिए गए हैं आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट फिच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे शॉर्ट में कहते हैं आई ओ ए कौन सी कंपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ऑफिशियल पार्टनर बनी डमी रिलायंस जियो आंसर क्या होगा बी अदानी स्पोर्ट्स लाइन पिच मेडल डिड द नाइंटी फोर ईयर ओल्ड भागवानी देवी विन एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप चौरानवे वर्षीय भागवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता देखिए उनका एज बहुत ज्यादा है 94 इयर्स और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है गोल्ड सिल्वर ब्रोंज या फिर इनमें से कोई नहीं तो आंसर क्या होगा ए गोल्ड मेडल won इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेन्स स्कीट एट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप आई एस एस एफ वर्ल्ड कप में पुरुषों की स्कीट में भारत का फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा डी महराज अहमद खान विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 किस इंडियन सिटी को 2022 के वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे आपको दिया गया है अहमदाबाद पटना मुंबई वाराणसी राइट आंसर क्या होगा ए अहमदाबाद को नीरज चोपड़ा रिसेंटली ब्रोक हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड इन पिच टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है ए बी सी या फिर डी सही आंसर होगा डी डायमंड लीग में पिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्वनिर्भर नारी स्कीम किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की करेक्ट आंसर होगा बी असम पिच आई आई टी लॉन्च निर्माण एक्सलरेटर प्रोग्राम किस आई आई टी ने निर्माण एक्सलेटर प्रोग्राम शुरू किया है तो यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं आई आई टी गुहाटी कानपुर मद्रास पटना करेक्ट आंसर होगा बी आई आई टी कानपुर पिच कंपनी विल बी द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI आई कौन सी कंपनी होगी BCCI की नई टाइटल स्पॉन्सर UPI, Paytm, Google पे Pay, Mastercard। करेक्ट आंसर होगा डी मास्टर कार्ड पिच बैंक हैज़ अप्रूव्ड डॉलर वन बी फोर पी भीम किस बैंक ने PM भीम के लिए एक बिलियन डॉलर की मंजूरी दी आर बी आई डी बी एस ए डी बी या फिर वर्ल्ड बैंक करेक्ट आंसर होगा डी वर्ल्ड बैंक ने हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज के वी आई सी न्यू चेयरमैन के वी आई सी के न्यू चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है चार्ज लिया है तो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं आशुतोष सिंह मनोज कुमार राजीव कुमार अरिजीत सिंह आंसर क्या होगा बी मनोज कुमार ने पिच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस कौन सा स्टेट अपनी इंटरनेट सर्विस वाला पहला स्टेट बन गया करेक्ट आंसर होगा बी केरला पिच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड पे एस यू ड्राइव फॉर मोटर इंश्योरेंस किस इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर इंश्योरेंस के लिए पे एस यू ड्राइव लॉन्च किया तो यहाँ पे दिए गए हैं नाम एल आई सी डिजिट इंश्योरेंस एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा बी डिजिट इंश्योरेंस विच मिनिस्ट्री लॉन्च ई नाम प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ प्लेटफॉर्म्स मंत्रालय ने ई नाम पीओपी लॉन्च किया पीओपी प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स तो आंसर क्या होगा ए एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री पिच कंपनी विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स कौन सा देश 2028 समर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा करेक्ट आंसर होगा

कौन सा स्टेट प्री प्राइमरी लेवल पर एन इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट बना उत्तराखंड तमिलनाडु राजस्थान बिहार करेक्ट आंसर होगा ए उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पे हम पहुंच चुके हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आई एफ ए डी इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा ए अलवारो लारियो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे हैं हुज़ वोन गिजोन चेस मास्टर्स गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है तो करेक्ट आंसर होगा बी मुकेश डी ने तो आज के लिए बस इतना ही फिफ्टी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप नए चैनल पे हमारे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा